बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई एम फ्रॉम न्यू सरहद मॉडल हाई स्कूल। टुडे इज अवर लेक्चर नंबर थर्ड। आज हम मैथ्स का लेक्चर नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे। आप मैथ्स की बुक ओपन कर लें और बुक में पेज नंबर 11 निकाल लेंगे। पेज नंबर 11 पे है बिगर एंड स्मॉलर, बड़ा और छोटा। टिक द बिगर वन। यहाँ आपने देखा है कि उसके ऊपर टिक लगाया है। दो कार बनी हुई है, इनमें से जोन सी कार बड़ी है उस पर हमने टिक लगाया है। अब यहाँ इन दोनों में जोन सी बैल बड़ी है, हमने उसके ऊपर टिक लगाना है, इस पे हमने टिक लगाना है। यहाँ पे भी ऐसे ही, इन दोनों में से जोन सा बड़ा है उसके ऊपर टिक लगाया है। यहाँ पर इन दोनों में से जोन सी चीज बड़ी है उसके ऊपर टिक लगाई है। टिक द स्मॉलर वन। अब हमने छोटे पे टिक लगाना है, जैसे कि ये दो शू बने हुए हैं, दोनों में से इसके ऊपर टिक लगाया है। इन दोनों में से जोन सा छोटा होगा इसके ऊपर टिक लगाना है। इन दोनों में से जोन सा छोटा होगा इसके ऊपर टिक लगाना है। इन दोनों में से जोन सा छोटा है इसके ऊपर टिक लगाना है। इसके बाद हम जाते हैं पेज नंबर 12 की तरफ। पेज नंबर 12 पे है बिगर एंड बिगेस्ट। टिक द बिगर वन। इन तीनों में से जोन सा आपको बड़ा नजर आएगा आपने उसके ऊपर टिक लगाना है। जैसे कि अब ये आपको बड़ा नजर आ रहा है, यहाँ पर टिक लगा हुआ है। इन तीन एलिफेंट में आपको जोन सा बड़ा नजर आ रहा है आपने उसके ऊपर टिक लगाना है। ऐसे ही आपने इन दोनों को भी करना है। इसके बाद है टिक द बिगेस्ट वन। जोन साहब आपको यहाँ पर भी जोन सा ऑब्जेक्ट आपको बड़ा नजर आएगा आपने उसके ऊपर टिक लगाना होगा। पेज नंबर 13 की तरफ हम जाते हैं। पेज नंबर 13 पे स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। आपने छोटे वाले ऑब्जेक्ट पे टिक लगाना होगा। पिछले पेज पे हमने बड़े ऑब्जेक्ट पे टिक लगाया, यहाँ पे आपने छोटे ऑब्जेक्ट पे टिक लगाना होगा। जैसे कि अम्ब्रेला बनी हुई है, इन तीनों में से जो सबसे छोटा होगा उसके ऊपर आपने टिक लगाना है। ऐसे ही आपने ये फुल पेज करना है। पेज नंबर 14 की तरफ हम जाते हैं। पेज नंबर 14 पे है लॉन्गर एंड शॉर्टर, लंबा और छोटा। जो ऑब्जेक्ट टिक द लॉन्गर वन, जो ऑब्जेक्ट लंबा होगा उसके ऊपर यहाँ पर टिक लगाया हुआ है। यहाँ पे जोन सा आपको लंबा नजर आ रहा है उसके ऊपर टिक लगाना है। और इन ब्लॉक्स में जोन सा ऑब्जेक्ट आपको टिक द शॉर्टर वन, जोन से छोटे नजर आ रहे हैं उसके ऊपर आपने टिक लगाना है। पेज नंबर 15 की तरफ हम जाते हैं। पेज नंबर 15 पे लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। वही छोटे और बड़े पे आपने टिक लगाना है जैसे हमने पीछे लगाया है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दी गई है। पेज नंबर 16 की तरफ हम जाते हैं। पेज नंबर 16 पे हैवियर एंड लाइटर, भारी और हल्की चीज आपने देखकर उसके ऊपर टिक लगाना है। यहाँ पर आप टिक द हैवियर वन। एग्जाम्पल आपको दी गई है, एग्जाम्पल की मदद से आपने इन दो ब्लॉक्स में जो चीज हैवियर है, जो चीज आपको भारी नजर आ रही है, आपने उसके ऊपर टिक लगाना है। यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। टिक द लाइटर वन। आपने जो चीज यहाँ पे आपको लाइट नजर आ रही है, हल्की नजर आ रही है, उसके ऊपर आपने टिक लगाना है। इस ब्लॉक में आपको एग्जाम्पल दी गई है, यहाँ पर टिक लगाना है, इस ब्लॉक में इस पर टिक लगाना है, इस ब्लॉक पर इस पर टिक लगाना है।